अरे आयुष, ये क्या कर रहा है? नोट्स बना रहा हूँ। वो तो ठीक है, बट इतने गंदे अनऑर्गेनाइज्ड नोट्स ले रहा है, एग्जाम में कुछ तुझे समझ भी आएगा? अरे मैं क्या करूँ, मैं इतनी कोशिश करता हूँ बट अच्छी आती नहीं है राइटिंग, और वो ऊपर से वो मैम इतना फास्ट बोलती है कि मेरे नोट्स बिगड़ जाते हैं। ओह अच्छा, तो अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बस तीन चीजों पर काम करके आप अपने नोट्स को बहुत सुधार सकते हैं। एंड लास्ट की दो टिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, स्टार्टिंग की इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, अब टिप्स बताने देगा। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने अपना पेंसिल केस खोला एंड उसमें आपको सिर्फ एक ही पेन मिलता है बिना ढक्कन का, जो कि चलता नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आपका आधा मेंटल स्टेट तो वहीं खराब हो जाता है, एंड अब आप पेन करेंगे बोरो अपने फ्रेंड से, तो ज़रूरी नहीं वो पेन का जो ग्रिप एंड जो साइज है वो आपको सूट करे। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको लेने हैं कुछ अच्छे जेल एंड रोलर बॉल पेंस। जेल एंड रोलर बॉल इसलिए क्योंकि वो बहुत स्मूथ चलते हैं एंड आपके हैंड में काफ़ी कम फटीग होगा, जिससे आप लॉन्ग आवर्स तक लिख पाएंगे। एंड अगर आपकी ताकत कम लगेगी तो आपका मेंटल स्टेट भी अच्छा रहेगा, जिससे आपको लिखने में काफ़ी आसानी होगी। बट हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी पेन चुनें तो उसको हमेशा चला के देखें एंड उसका ग्रिप हमेशा टेस्ट करें कि आप वो कम्फर्टेबली होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि गाइस पेन के ग्रिप से राइटिंग पे बहुत असर पड़ता है। तो देख के लीजिए आपको थिक या थिन कैसा पसंद आता है। एंड हाँ, याद रखें कि आपका पेन स्मच प्रूफ भी हो। और हाँ, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए वाटरप्रूफ पेन लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं पॉइंट टू पे, जो कि है प्रैक्टिस। अब अक्सर बच्चों का कहना होता है कि टीचर बहुत ही फास्ट बोलते हैं एंड जल्दी बोर्ड इरेज कर देते हैं, जिससे उनके काफी सारे नोट्स पेंडिंग ही रह जाते हैं। बिल्कुल सही है, तो मेरे साथ भी होता है। तो इसके लिए आपको दो चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज है हैंडराइटिंग ड्रिल्स। आपको लेनी होगी कुछ स्टैक पे शीट या फिर कर्सिव राइटिंग बुक, जहां पे आप लेटर्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अब ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये जो लेटर्स का स्ट्रक्चर है वो आपकी मेमोरी का पार्ट नहीं बनेगा एंड आपकी राइटिंग बिगड़ती रहेगी। इनमें से कुछ शीट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां भी आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आज तो सारी बुक ही खत्म कर देता हूं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। एंड पॉइंट टू इज यूज ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स एंड एब्रिविएशंस। अब जनरली हम क्या होता है, जब हम नोट्स ले रहे होते हैं एंड टीचर का डिक्टेशन फास्ट होता है, तो आप कुछ हैक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कई वर्ड्स के छोटे फॉर्म लिख सकते हैं, जिससे आप टाइम बचा पाएंगे। जैसे डिफरेंट को आप लिख सकते हैं DIFF, डेफिनेशन को DEF, एक्सेट्रा को ETC, इंपॉर्टेंट को IMP। तो गाइस ऐसे काफी सारी लिस्ट होती है वर्ड्स की, उनको आप पढ़ सकते हैं एंड उनको अपने नोट्स में नोट्स लेते दौरान यूज कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम थोड़ा सेव हो सके एंड आप टीचर के पेस के साथ अलाइन कर पाए। आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो है प्रेजेंटेशन। अब सिर्फ अच्छा पेन लेने से या राइटिंग इंप्रूव कर लेने से नोट्स अच्छे नहीं बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? हाँ वही बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना होगा फॉन्ट एंड अलाइनमेंट वेरिएशन पे। हैं? क्या वेरिएशन? समझाता हूँ। जब भी आप लिखें तो सारे फॉन्ट एक जैसे मत रखिए, जो आपकी हेडिंग है उसको आप सेंटर में रखिए एंड कैपिटल लेटर्स में लिखिए, एंड जो आपकी सब हेडिंग है उसको आप लेफ्ट कॉर्नर में लिख सकते हैं, एंड जो आपकी मेन बॉडी होती है उसमें हमेशा ध्यान रखें कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें, देन गाइस सारे लेटर लोअर केस यानी कि स्मॉल आएंगे, एंड देन जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप लगाइए एंड देन अगेन आप पहला लेटर कैपिटल ले सकते हैं। अक्सर बच्चे बीच में काफी सारे कैपिटल लेटर डाल देते हैं, जो देखने में बहुत ही क्लमजी लगता है। हाँ मैं तो कई भी कैपिटल डाल लेता हूँ। हाँ तो वैसा नहीं करना होता है। अगला पॉइंट होता है गाइस स्पेसिंग। जब भी आप लिखें तो लेटर्स एंड वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग का ध्यान रखें, एंड जैसे ही आपका आंसर या पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं गाइस बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर पॉइंट्स। इससे आप इजीली अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाएंगे एंड स्ट्रक्चरली उसको डिवाइड कर पाएंगे। बट हाँ, जब भी आप इनको लिखें तो हमेशा अलाइनमेंट का ध्यान रखें कि ये पॉइंट एक के नीचे एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे, वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। एंड ओवरऑल आपके नोट्स जितने सिमेट्रिकल होंगे वो उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड जो गलती आयुष कर रहा है इसे कभी ना करें, कभी भी फ्री हैंड ड्राइंग ना करें। हमेशा सर्कल बनाने के लिए आप कंपास का यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर लाइन भी खींचनी है ना तो हमेशा रूलर की मदद से खींचें, जिससे आपको हमेशा स्ट्रेट लाइंस देखने को मिले, जो कि देखने में बहुत अपीलिंग लगेंगी। एंड इसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक पेंस फॉर हेडिंग एंड क्वेश्चंस, जिससे आपके नोट्स का लुक और एनहांस हो जाएगा। तो अब आया आयुष समझ में नोट्स कैसे बनाने हैं? अरे पर इतनी मेहनत कौन करेगा? अरे पर थोड़े एफर्ट्स तो डालने होंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको इन पॉइंट्स को अप्लाई करना होगा एंड देन डेली आपको थोड़ा थोड़ा चेंज देखना चालू होगा। तो रोज अपने नोट्स को लिखिए एंड देन उनको रिव्यू कीजिए कि आपको कहां गलती दिख रही है एंड उसको अगली बार इंप्रूव कर लीजिए। तो ऐसे स्लोली स्लोली विद इन अ मंथ और टू आप अपने नोट्स पर काफी अच्छा कमांड हासिल कर लेंगे, एंड अगर आपने एक बार वो कर लिया ना तो ये चीज आपको लाइफ लॉन्ग काम देगी। एंड अभी मेरे काफी कलीग्स हैं जो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स नहीं बना पाते हैं, एंड गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्कूल की एज होती है वही एक ऐसा टाइम है जहाँ आप अच्छे से नोट्स बनाना सीख सकते हैं एंड आपके पास टाइम होता है। तो मेक श्योर इन सारी टिप्स का आप यूज करें एंड अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं। तो गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो ग्रे बटन को लाल करें? नहीं, लाल बटन को ग्रे करें।
तू समझा? नहीं। अरे जो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको आप प्रेस करोगे तो वो ग्रे हो जाएगा। बेल आइकन भी दबाना। हाँ ये सही बोला। एंड गाइस बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं। एंड गाइस आपको हमारे वीडियो का नया फॉर्मेट कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लेके बताएं। आगे फ्यूचर वीडियोस में हम इस पे और क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो वी बोथ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस। बाय बाय बाय। ग्रे बटन दबा के लाइक करें। ग्रे बटन को लाल करें। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अच्छा बताओ क्या करूं ऐसे? अरे मैं क्या करूं? अरे क्या करूं, मर जाऊं? क्या हो रहा भैया? यहाँ बैटरी चली जाएगी यार। बैटरी चली जाएगी मतलब क्या हो गया यार? क्यों हंसी आ रही है? क्या हो गया? ग्रे बटन को लाल करें। लाल करना जरूरी? लाल करना सीरियस? रुक जाओ रुक जाओ। मैं बोलूंगा अबे साले। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।